श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा विषय जो कि बहुत ही रोचक है, और इसकी जानकारी अगर गोचर के हिसाब से हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण योग है आपके लिए। सूर्य और शनि से बनने वाला ये योग आपके लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत ही हितकारी होता है। जहां ब्रह्मांड में सूर्य और शनि को शत्रु कहा गया है, वहीं व्यवसायिक जीवन में नौकरी के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, राजकीय कार्यों के लिए, सरकारी कार्यों के लिए, सरकार से लाभ देने के लिए ये योग बहुत ही बेहतर माना गया है। सूर्य और शनि, सूर्य ब्रह्मांड में राजा है, ग्रहों में इसको सर्वोपरि स्थान दिया गया है। उसके साथ साथ ये सरकारी कार्य, सरकारी कामकाज, पिता, पेट, बुद्धि, मान सम्मान, आत्मा का प्रतीक है। वहीं शनि को दास, श्रमिक, रोजगार देने वाला, न्यायप्रिय, कर्म फल प्रदाता या आपकी मेहनत का परिणाम आपको कैसा मिलेगा, ये शनि देव पर निर्भर करता है। तो हम बात करेंगे उसी सूर्य शनि से संबंधित योग के बारे में। थोड़ा सा उसके बारे में जान लें। काल पुरुष की कुंडली जो कि मेष लग्न की कुंडली है, जितने भी राजयोग, धनयोग या कोई भी परिणाम निकल कर आ रहे हैं या कोई धनयोग बन रहा है, कहीं ना कहीं उसका काल पुरुष से बहुत घना संबंध होता है। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव के मालिक होते हैं, पंचम भाव एजुकेशन, पंचम भाव संतान, पंचम भाव बुद्धि, और साथ साथ ये लक्ष्मी त्रिकोण में बहुत अच्छा स्थान है। वहीं शनिदेव कर्म स्थान और लाभ स्थान के मालिक हैं, पद प्रतिष्ठा के मालिक हैं, कार्य व्यवसाय के क्षेत्र के मालिक हैं। आपकी इनकम कैसी होगी, आपको लाभ कैसा रहेगा, लाभ के स्तर कैसे रहेंगे, वो काल पुरुष में शनिदेव को प्राप्त हुए हैं। तो सूर्य और शनि से मिलने वाला ये गोचरीय प्रभाव, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इसमें जो मैं नियम आपको बता रहा हूं वो नियम ये है, गोचर का शनि यानी शनि देव गोचर में कहां चल रहे हैं। गोचर का शनि जब भी जन्मकालीन सूर्य से संबंध बनाएगा, संबंध का मतलब है या तो शनि गोचर करते हुए सूर्य के ऊपर आ जाए या सूर्य को दृष्टि दे दे, इसी तरीके से ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, शनि देव आज गोचर में यानी मई 2019 में शनि देव का गोचर धनु राशि में चल रहा है और शनि वक्र गति से चल रहे हैं। यहां पर शनि का गोचर धनु राशि में है और हमारा नियम है कि जन्मकालीन सूर्य के ऊपर गोचर के शनि का प्रभाव हो, यानी सूर्य या तो यहां बैठा हुआ हो। अगर किसी की कुंडली में सूर्य धनु राशि में है और शनि उसके ऊपर आ गए हैं, या किसी की कुंडली में सूर्य कुंभ राशि में है तो शनि की तीसरी दृष्टि कुंभ राशि पर जाती है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुंभ राशि पर गई है तो शनिदेव की सप्तम दृष्टि मिथुन राशि पर गई है। यानी जिन व्यक्ति विशेष का सूर्य मिथुन राशि में बैठा हुआ है या जिनका सूर्य कन्या राशि में बैठा हुआ है, तो शनिदेव का दशम दृष्टि का प्रभाव कन्या राशि पर आएगा। तो नियम हमारा यह है, शनिदेव का गोचर जन्मकालीन सूर्य पर अगर होगा या उससे दृष्टि संबंध बनाएगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को व्यवसायिक लाभ मिलता है, नौकरी पदोन्नति में लाभ मिलता है, प्रमोशंस होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में बेहतरी होती है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर ये योग आता है। यदि कोई व्यक्ति नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं ये गोचर का प्रभाव उसका बिजनेस शुरू करा देगा, उसको नया काम दिला देगा। जिसको नौकरी नहीं मिलती है उसको नौकरी दिला देगा, प्रमोशन नहीं मिल रहा है प्रमोशन करा देगा। कहीं ना कहीं ये योग सूर्य और शनि से संबंधित है, ये व्यक्ति को रोजगार में, व्यवसाय में लाभ देने वाला एक योग है। तो गोचर से संबंधित ये योग किसी भी व्यक्ति विशेष की कुंडली में पूर्णतः 100% कार्य करता है। इसमें थोड़ा सा फर्क यहां हो सकता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष की दशा बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है तब जाकर इस नियम में
थोड़ी सी परेशानी आएगी, यानी उसे उस इस नियम का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि आपको दशा थोड़ी सी भी अच्छी है तो ये शनि का गोचर खास तौर पे जिनके सूर्य कुंभ राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि में या कुंभ धनु राशि में ही बैठे हुए हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतर योग है। शास्त्र में इसको जगह जगह अलग तरीके से वर्णित किया गया है। व्रत पराशर उरा शास्त्र, फल दीपिका, मान सागरी, जातक तत्वम, व्रत जातक, सभी में इस तरीके के गोचर का ये नियम दिया हुआ है। तो सूर्य और शनि जो गोचर में या व्यवहारिक तौर पर कहें कि शत्रु कहे जाते हैं, वही ये स्थिति बहुत बढ़िया व्यवसायिक प्रतिष्ठा देने वाली, मान सम्मान देने वाली और अच्छे नौकरी देने वाली होती है। तो यदि आपकी कुंडली में भी ये योग बन रहा है तो अभी ये योग लगभग जनवरी 2020 तक भी रहेगा। शनि देव वक्र गति से चल रहे हैं, तो वक्र गति से चलने वाला ये ग्रह आपको इस योग को बढ़ावा देने वाला होगा, क्योंकि शनि देव त्रिकोण में वक्री हैं, शक्तिशाली स्थिति में है और सूर्य से भी यदि संबंध बना गए, उसमें आपकी दशाएं भी अच्छी हुई, तो गोचर का ये फल योग आपको 100% फायदा देगा। आगे भी मैं आपके लिए इस तरीके के गोचर के सूत्र लाता रहूंगा कि गोचर से आपको कितना फायदा मिलता है, ब्रह्मांड में चलने वाले ग्रह आपको किस तरीके का योग, किस तरीके का फल देंगे, वो आपकी जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है कि ग्रह का गोचर कहाँ है, किस स्थान पर है और उसका संबंध किन भावों से या किन ग्रहों से बन रहा है। यदि ऐसा कोई योग है तो वो आपके लिए पूर्णतः सत्य साबित होगा और आप उसका पूर्णतः लाभ उठाएंगे। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि आप अपनी कुंडली से संबंधित कोई बात ऐसी ही पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इजाजत लेता हूं आपसे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।